हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी का जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसको यहाँ पर साफ कर दिया है। और उस यूजीसी ने क्या किया है, पूरी लिस्ट जारी कर दी है यहाँ पर, जिन जिन राज्यों में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ जो है फर्जी पाई गई थी, फ्रॉड चल रहा था, उन सभी का लिस्ट यहाँ पर दे दिया है। हो सकता है आपने भी किसी इन विश्वविद्यालयों में से किसी में से आपने कुछ कोर्स किया होगा, तो आप देख लीजिए, सतर्क हो जाइए। और यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से किस राज्य में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्जी पाया गया है। तो ये साफ साफ जो है आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और आपके लिए काम की खबर है दोस्तों, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने देश भर में अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया है। साथ ही ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी को कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, जो जिन यूनिवर्सिटी का नाम इसने दिया है जो फर्जी का पाई गई, इनके बारे में बात हो रही है। इनके साथ ही यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बुधवार को 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिल्ली की 8 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं जो इस लिस्ट में सबसे अधिक हैं। इसके अलावा यूपी की 4 हैं। ऐसे विश्वविद्यालय की ओर प्रदान की गई डिग्री की न तो कोई मान्यता है और न ही उच्च शिक्षा का रोजगार प्रयोजन के लिए कोई मान्य होने वाली ऐसी डिग्रियां। तो फटाफट से देख लेते हैं, दिल्ली में जो घोषित हुई हैं वो है अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान दिल्ली में, दूसरी है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यवसायिक विश्वविद्यालय ADR सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो ये 8 यूनिवर्सिटी दिल्ली में फर्जी पाई गई हैं और सबसे ज्यादा दिल्ली में ही पाई गई हैं। यूपी की अगर बात करें तो गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा परिषद। देखिए, ये यूपी की यूनिवर्सिटियां हैं जो फर्जी पाई गई है यहाँ पर को, ठीक है। तो आपको बता दूं, ओपन यूनिवर्सिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय भी यहाँ पर फर्जी पाया गया है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में फर्जी विश्वविद्यालय जो पाए गए हैं वो 2 हैं, क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 2 आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक में है दोस्तों बदगानवी सरकार वार्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, केरल में है सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी किसनटम, ठीक है, साउथ के नाम है थोड़ा। महाराष्ट्र के हैं राजा अरवे विश्वविद्यालय नागपुर और पुदुचेरी श्री बोधी उच्च शिक्षा अकादमी थिलासपेट। तो ये कुछ यूनिवर्सिटियां थी जो मैंने आपको बता दी हैं फर्जी घोषित हुई हैं। तो आप लोगों को जो है ऐसे स्कैम से बचना है। अगर आपने कहीं से कुछ भी कोर्स या कोई भी यहाँ से शिक्षा दीक्षा ली थी तो आप इस पर जो है छानबीन कर लीजिए और अपनी बाकी चीज़ों को आपको पता ही है। अगर इनमें से किसी से भी आपने किया होगा तो फिर वो कहीं पर मान्य होने वाली नहीं है वो डिग्री, ठीक है। तो साथियों, ये अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, बाकी लोगों तक भी इसको शेयर कर लीजिए। आपके जान पहचान या कहीं पर भी आप जितने लोगों से भी जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।